अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। थोड़ी देर में कोर्ट से निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। जो जानकारी मिल रही है 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने दे दी है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रहेंगे 15 अप्रैल तक। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था, उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। वहीं एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज देखने को मिला, कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार आया सामने। कोर्ट में ईडी के वकील एएसजी राजू का दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में लिया सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम, दोनों दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। विजय नायर सौरभ भारद्वाज आतिशी को रिपोर्ट करता था, ये कहा गया ईडी की तरफ से। केजरीवाल ने कहा नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, आबकारी नीति के वक्त दोनों मंत्री नहीं थे, ये कहा गया। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो सौरभ आतिशी तक पहुंची है क्या इस पूरे मामले की आंच, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि ईडी ने कोर्ट में बहुत कुछ बताया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया है। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में खुलासा किया है। तो कोर्ट में पहली बार सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम सामने आया क्योंकि ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट में खुलासा किया है। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब जब आबकारी नीति आई तब दोनों मंत्री नहीं थे और ईडी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल ने खुद इन दोनों का नाम लिया। और केजरीवाल ने जेल के लिए 3 किताबें मांगी हैं। केजरीवाल ने रामायण, श्रीमद् भागवत गीता मांगी और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब की भी डिमांड की। ये वो किताबें हैं जिनकी मांग रखी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। जितेन शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेन, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, साथ ही उन्होंने कुछ प्रशासन से, अदालत से कुछ चीजों की मांग भी की है। क्या क्या लिस्ट है, किताबें तो हमें नजर आ रही है, इसके अलावा भी कुछ और है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 3 लोगों से मिलने की इजाजत मिली है। एक सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, इसके अलावा आतिशी और साथ ही सौरभ भारद्वाज। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है रवि, जो एक जो जुडिशियल कस्टडी को लेकर जो ईडी की तरफ से जो प्ली लगाई गई थी अदालत में, उस प्ली के अंदर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई अहम बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। इसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ इस पूरी शराब घोटाले के किंगपिन थे, बल्कि उनको ये पता था जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसका इस्तेमाल किया कहाँ किया जा रहा है और कैसे किया जाना है, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से तय हुआ। यानी कि जो 100 करोड़ रुपये की किकबैक यानी रिश्वत अरविंद केजरीवाल और पार्टी को मिली, उसका जो इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए का गोवा चुनाव में हुआ, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते थे। इस स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो स्टेटमेंट दर्ज हुई, उसका भी जिक्र इस कागज के अंदर किया गया है, इस कॉपी के अंदर किया गया है जो आज अदालत के अंदर रखी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि विजय नायर जो थे वो अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। साथ ही इसमें जो एनडी गुप्ता है, जो आम आदमी पार्टी के बाकायदा राज्यसभा सांसद है, उनकी स्टेटमेंट का भी जिक्र किया गया है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एनडी गुप्ता ने यह बात कबूल की थी कि जो गोवा इलेक्शन की जो प्रभारी है वो आतिशी है, और जिस वक्त 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया हवाला के जरिए, जो पैसा साउथ से रिश्वत के तौर पर मिला था, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना है, ये सब कुछ जानकारी ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को थी, इसके अलावा आतिशी को भी रहनी चाहिए थी। तो इस तरीके की तमाम बातें जो है वो इस कॉपी के अंदर लिखी गई है, जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो मिसकंडक्ट रहा है या फिर कहें जो उनके ऊपर आरोप रहे उसको कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं। जी,
जितेंद्र, एक बात बताइए, यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट के भीतर ये दो नाम सामने आए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी का, जो अभी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अब जो लीड मिली है ईडी को, क्या अब आज यहाँ तक पहुँचेगी या पूछताछ आगे बढ़ेगी, समन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले मैंने बताया कि ईडी के पास एक कागज मौजूद है, वो कागज है आतिशी के द्वारा साइन किया हुआ। आतिशी ने बकायदा बतौर गोवा चुनाव प्रभारी उस पर साइन किया हुआ है। ये साल 2022 का कागज है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया था कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के खिलाफ। तो और उसी दौरान बताया जा रहा है, जो आरोप है कि हवाले के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल के लिए भेजे गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर हैं, कुछ नेता हैं जो कि गोवा से जुड़े हुए हैं, जो इस इलेक्शन में जिनका अहम रोल था, उनकी स्टेटमेंट भी बाकायदा ईडी ने दर्ज की है। और इनमें से एक आरोपी का स्टेटमेंट दर्ज किया जिसे बतौर 2,20,340 रुपए उसके अकाउंट में भेजे गए थे। और ये जो पैसा भेजा गया था वो हवाले के जरिए पहले पहुंचा गोवा और उसके बाद इस शख्स के अकाउंट में पहुंचा। मनी ट्रेल को लेकर कुछ सबूत ईडी की तरफ से क्या पेश किए गए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं, ईडी जिन सबूतों को सामने रख रही है अदालत के समक्ष, उसमें कई बड़े बड़े आंकड़ों का भी जिक्र हुआ। कहा यह गया कि पूरा घोटाला 600 करोड़ का हो सकता है, 100 करोड़ के बारे में तो हमें पता चल गया है, मनी ट्रेल हमारे पास है। क्या उस 100 करोड़ की मनी ट्रेल से जुड़े सबूत भी अदालत के समक्ष रखे हैं ईडी ने? जी बिल्कुल समीर, देखिए अभी मैं वही बात कर रहा था, ये मनी ट्रेल से जुड़े सबूत ही हैं जो कि ईडी की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें ईडी ने बकायदा ये जिक्र किया है कि चरणजीत सिंह, जो कि पूरा आम आदमी पार्टी का जो गोवा इलेक्शन के दौरान कैंपेन था वो उसको संभाल रहा था, 45 करोड़ रुपए बकायदा गोवा की एक फर्म है हवाला से जुड़ी हुई, जिसके जरिए पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक उस दौरान वहाँ पहुँचा। साथ ही इसके अलावा एक शख्स का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है जो कि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का वर्कर था, उसने बात कबूल किया कि 2,20,340 रुपए उसको मिले थे और ये जो अच्छा। पूरा पैसा था ये हवाले के जरिए यहाँ पर पहुंचा था। इसके अलावा जो हवाला से जुड़ी जो फर्म है गोवा की, उसके स्टेटमेंट और उसका जो पूरा डिटेल था वो भी दर्ज किया गया। इसके अलावा साफ तौर पर ईडी ने बात कही है कि ना सिर्फ ईडी के पास मनी ट्रेल, बल्कि उस दौरान जो सीडीआर है आरोपियों की, वो भी ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा पैसे का जो पूरा मनी रूट था, किस तरीके से पैसा गया, वो भी ईडी के पास मौजूद है। तो ईडी का कहना था कि कहीं ना कहीं अब तक ये साफ हो चुका है कि ना सिर्फ मनी ट्रेल, ना सिर्फ प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो पैसे का इस्तेमाल किया गया गोवा चुनाव के अंदर रिश्वत के पैसे का, इसके अलावा इसके हवाले से जुड़े हुए जो शख्स थे, इसके अलावा जिन लोगों ने हवाला के जरिए आया पैसा उम्मीदवारों ने वहाँ इस्तेमाल किया, इन सब बातों का, इन सब आरोपियों का कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से लिंक है और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की जानकारी में हुआ है। और इस बीच देखिए पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से लगातार। पीयूष, यहाँ पर अब ये समझना जरूरी है कि अगला कदम क्या, अब क्या कुछ विकल्प बचते हैं, क्योंकि जिस पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उससे इतनी आसानी से निकल पाना संभव नहीं है, तो वैसे में अगला रुख क्या हो सकता है? देखिए अरविंद केजरीवाल की ओर से अब इस मामले में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें से अंतरिम जमानत की मांग उनकी की जाएगी। अगली बार जो सुनवाई होगी उससे पहले ये याचिका उनकी ओर से दाखिल की जा सकती है, और अगर लोअर कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलती है तब फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इस मामले में आम तौर पर अभी तक ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनको किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली, चूँकि पीएमएलए का मामला था और ईडी की ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए उसके चलते उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि अब तक अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत ना दाखिल किया जाना ये स्पष्ट करता है कि वो अभी इस मामले में उचित समय देखकर ही जमानत की मांग करना चाहते हैं, और ये संभावना बनती है जबकि अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके वकील अब इस पर विचार कर रहे होंगे कि अंतरिम जमानत की मांग राउज एवेन्यू कोर्ट से की जाए। और अगली चूंकि केस वही है और उसमें हवाला की भी बात कही जा रही है, यही केस अपने आर्गुमेंट के साथ चूंकि पहले के नेता या मंत्री रखते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मामला या उनकी बेल एप्लीकेशन कुछ अलग हो सकती है या फिर ग्राउंड सारे वही होने वाले हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए अहम बात यह है कि जो पिछली बार सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद कुछ दलीलें पेश की थी और
उसमें राजनीतिक बयानबाजी भी थी। हालांकि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि जब बयान लिए गए गवाहों के तो उसमें 6 बयानों में से सिर्फ 4 में उनका नाम लिया गया, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है, ये उनका कहने का निहितार्थ था। और इस स्थिति में वो ये मांग कर सकते हैं, अंतरिम जमानत में ये कह सकते हैं कि उनका अभी सिर्फ गवाहों की तरफ से नाम लिया गया है और स्पष्टता नहीं है किसी भी साक्ष्य को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसमें ये कहा गया है कि जब तक स्पष्टता नहीं हो और जब आरोपी की ओर से ये साफ कहा जाए कि प्रथम दृष्टया वो आरोपी नहीं है इस मामले में और एजेंसी के पास अभी तक कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत दी जानी चाहिए कोर्ट की ओर से। दो आधार, चूंकि 2018 में एक बदलाव किया गया था केंद्र सरकार की ओर से PMLA के सेक्शन 45 में, उसी के बाद से ये सख्ती आ गई और ये आरोपी को स्पष्ट करना पड़ता है कि प्रथम दृष्टया एजेंसी के पास कोई साक्ष्य स्पष्ट तौर पर नहीं है। बिल्कुल, फिलहाल तो राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल को, 15 अप्रैल तक वो जेल में रहेंगे, तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन पीयूष, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता रहे थे कि PMLA एक्ट के तहत जो ये धारा 145 होती है उसके तहत कुछ शर्तों के आधार पर जमानत मिल सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका भी, जितेंद्र आपका भी, इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। बहरहाल खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में वादों की कौन सी फेहरिस्त जनता के सामने रखेगी उसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। 400 प्लस का लक्ष्य ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो कमेटी इस पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपने वादों की फेहरिस्त तैयार करने में जुट गए हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा हो और इसमें क्या क्या वादे होंगे, इसे लेकर आज बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इस समिति में निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति के लिए लोक लुभावन वादे कर सकती है। 27 सदस्यीय कमेटी को घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करनी है। इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देश की जनता से राय मांगी थी। बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। 2019 लोकसभा चुनाव में भी घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहा है। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी जनसभा है। 2 अप्रैल की शाम को राजस्थान के कोटपुतली में होंगे पीएम मोदी। 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में उनकी जनसभा है और शाम को 4 अप्रैल को ही कूच बिहार में पीएम मोदी करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पीएम मोदी उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल का तूफानी दौरा करेंगे। वो अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों के अलग अलग जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 2 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे रुद्रपुर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 2 अप्रैल को शाम 3:30 बजे राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में एक रैली करके चुनावी बिगुल फूकेंगे। जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। बिहार से पीएम मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे। 4 अप्रैल को शाम में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी की जनसभा होगी। 6 अप्रैल को पीएम मोदी यूपी के सहारनपुर में जनसभा करेंगे। उसी दिन गाजियाबाद में पीएम मोदी का शाम 5 बजे रोड शो होगा, जिसमें पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। 9 अप्रैल को पीएम मोदी यूपी के पीलीभीत में जनसभा करेंगे। 16 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। RBI की स्थापना के 90 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, नए सेक्टर्स के लिए पहले से तैयारी हो, 100 दिन अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, तब तक आपके पास भरपूर समय है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आएगा। देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं तो आपके पास भरपूर समय है,
आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। और आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की। पीएम ने उम्मीद जताया कि आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक की नीतियां विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में अहम योगदान दें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के 90 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने मुंबई हुए कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में देश के आर्थिक विकास में आरबीआई की भूमिका और योगदान पर चर्चा हुई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आरबीआई आने वाले दिनों में जो नीति तय करेगी उसका सीधा असर विकसित भारत के संकल्प पर पड़ेगा। पीएम ने कहा कि जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जिससे नतीजे भी सही मिलते हैं। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है, और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। और इस बीच सीधा रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहे कुछ भी कर लो, हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी, क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए? जनाब, पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई, वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश रची जा रही है, 400 पार के लिए कुछ भी किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर 15 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी के नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रची जा रही है। और अभी की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इनकम टैक्स फिलहाल कार्रवाई नहीं करेगी, आईटी जून में अपना जवाब दाखिल करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 24 जुलाई को मामले की सुनवाई इस मामले में होगी। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव आज अपनी बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लेकर सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तमाम दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालने लगे हैं। चुनाव प्रचार का दौरा भी शुरू हो चुका है। बिहार में पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। इसी कड़ी में अब लालू परिवार ने भी लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। लालू अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लेकर सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर बेटियों के विजय का आशीर्वाद मांगा। इससे पहले भी लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने कई मौकों पर पहुंचे। आरजेडी ने इस बार रोहिणी आचार्य को सारण सीट पर उम्मीदवार बनाया है, जहां से लालू यादव ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था।
अब इसी सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। वहीं मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगी। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आरजेडी बिहार के 40 में से 26 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और इस बीच बता दें आपको, 4 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करेंगे पप्पू यादव। पूर्णिया की जनता को अपने बेटे से प्यार है कहना पप्पू यादव का। पूर्णिया से लड़ूंगा, अपने नेता को बता दिया। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है, गठबंधन की राजनीति मेरे लिए नहीं है, ये बातें पप्पू यादव की तरफ से कही गई है। इसी सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा। पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव ने पहले 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की थी, लेकिन अब वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल से पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के तहत पूर्णिया की सीट आरजेडी के कोटे में आ गई और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया। पप्पू यादव ने लालू यादव से पूर्णिया सीट छोड़ने की अपील भी की है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर आरजेडी पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार वापस नहीं लेती तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि वो गठबंधन के उम्मीदवार के साथ फ्रेंडली फाइट की भी बात कर रहे हैं। पूर्णिया सीट पर उम्मीदवारी को लेकर मचे घमासान के बीच आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। अगर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने के फैसले पर कायम रहते हैं तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ सकती है। और पप्पू यादव पहले भी बोल चुके हैं कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते। पप्पू ने फिर से दोहराया कि पूर्णिया अपने बेटे से प्यार करता है और वो पीछे नहीं हटेंगे। मेरे लिए मीटर, मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं, अलग बात है कि मैं गठबंधन की राजनीति में आज देश फंसी हुई है। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं। दिल्ली पटना की राजनीति से बहुत दूर है और पूर्णिया की जनता अपने बेटे से प्यार करती है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है और खास तौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर मुझे भरोसा है। मैं जानता हूं कि बिहार में कुछ लोग दल को मजबूत नहीं होने देना चाहते, वो हमेशा पीठ में खंजर हो गए। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा कसूर क्या है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भीमा काली मंदिर में पूजा की और जीत का आशीर्वाद मांगा। कंगना रनौत के साथ हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत राज्य बीजेपी के कई और बड़े नेता मौजूद थे। कंगना बीजेपी नेताओं के साथ भीमा काली मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। भीमा काली मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो माता भीमा काली देवी को समर्पित है। मंदिर में पूजा करने के बाद कंगना रनौत जयराम ठाकुर के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंची। बीजेपी दफ्तर पहुंचने पर कंगना का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बीजेपी दफ्तर में उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे। बीजेपी दफ्तर में कंगना रनौत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया है। मंडी सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस की टिकट पर सांसद हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। और कंगना रनौत से ही जुड़ी अगली अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट की निंदा की है। सुप्रिया के कंगना रनौत पर किए गए पोस्ट की निंदा की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सुप्रिया ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, ये चुनाव आयोग ने कहा है। चुनाव आयोग ने बयानों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। पार्टी अपने नेताओं को ऐसे बयान देने से रोके, ये कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में डिंपल यादव ने चुनावी रैली की। रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव
कि पत्नी डिंपल ने पार्टी की जीत का दावा किया। मैनपुरी में डिंपल यादव लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी की जीत का दम भर रही हैं। दरअसल मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ये सीट ज्यादातर समाजवादियों के पास ही रही है, यहाँ से बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला। मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी। बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को चुनाव लड़ाया था, जिन्हें उपचुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी डिंपल यादव चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो गलत धारणा वाले लोग थे उनका नाश हुआ और जो सच्चे लोग थे उनकी विजय हुई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी समाजवादी विचारधारा को पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह एक विचारधारा का सवाल है। ऐसी विचारधारा जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर पीडीएम बनाया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हमलावर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में पीडीएम ने कल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज के प्रति सरकार के रवैये के प्रति विपक्ष में लोग चुप बैठे हैं। पल्लवी पटेल के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, जिसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। बिल्कुल साफ है कि ओवैसी जी उनका जो गठबंधन हुआ है, हमेशा जब भी किसी से गठबंधन करते तो वो हमेशा समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी सत्ता में हो। जनता जानती है कि ओवैसी जी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार से है। जनता जानती है कि उसको वोट किसको करना है। अपना दल और AIMIM का गठबंधन उत्तर प्रदेश के 3 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि यूपी का ये तीसरा गठबंधन चुनाव में उनको नुकसान पहुंचा सकता है, वोट में सेंधमारी हो सकती है। यही वजह है कि ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और AIUDF के सांसद बदरुद्दीन अजमल के बीच बहुविवाह को लेकर जुबानी जंग जारी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी तेज होती जा रही है। असम के धुबरी से AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एक और शादी करनी होगी तो उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत बदरुद्दीन अजमल के एक बयान से हुई थी। धुबरी से अजमल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार रकीब उल हुसैन ने कहा था कि अजमल बूढ़े हो गए हैं, जिसके जवाब में बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि मेरे पास अभी भी इतनी ताकत है कि मैं शादी कर सकता हूँ। बदरुद्दीन अजमल के इसी बयान पर कटाक्ष करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद असम सरकार समान नागरिक संहिता लाएगी और उसके बाद बहुविवाह असंवैधानिक हो जाएगा। ইলেকশনের পিছত অসমত UCC আহিব তেতিয়া পাতিলে অ্যারেস্ট হব, গতিকে ইলেকশনের আগতে কইনা লৈ পাতি ললে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম। और शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने PM के चुनावी कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि इस बार महाराष्ट्र में BJP कुछ खास नहीं कर पाएगी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि चुनाव के समय देश का प्रधानमंत्री भी पार्टी के सदस्य की हैसियत रखता है। ऐसे में PM का सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वो सामान्य नागरिक, वो एक उम्मीदवार है, तो उनका जो खर्चा है सब, जो सरकारी यंत्रणा का जो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तो उनके पार्टी के ऊपर जाना चाहिए, BJP के खाते में जाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो BJP के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि BJP को इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर राउत ने कहा कि अब इस पर कोई बात नहीं होगी। नहीं, पूरे देश में अब ये चर्चा खत्म होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की। अब हमको चुनाव प्रचार में लगना चाहिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी का महामंथन जारी है। पार्टी नेताओं ने मिशन 48 को सफल बनाने का प्रण लिया। देश में 400 पार और महाराष्ट्र में मिशन 48 को फतह करने के लिए बीजेपी जी जान से जुट गई है। महाराष्ट्र बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रिव्यू मीटिंग की। मुंबई के बीजेपी ऑफिस में हुई इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़े निर्देश दिए गए, जिसमें कार्यकर्ताओं से कहा गया कि सभी महायुति के मिशन 48 को पूरा करने में जुट जाएं। महाराष्ट्र की हर सीट मोदी जी की है और वो इसे कैसे जीत सकते हैं, उस दिशा में काम शुरू किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ता महायुति प्रत्याशी को अपना मानकर काम करें। 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर हर बूथ पर कार्यक्रम करने की योजना बना रही है, जिसमें मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को सभी आम मतदाताओं तक पहुंचाने की तैयारी है। बीजेपी के इस अहम बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवत कराड़, महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी दिनेश शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और कच्छ तीवू पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, 1974 में कच्छ तीवू को लेकर समझौता हुआ, कच्छ तीवू को लेकर श्रीलंका से समझौता हुआ, समझौते से मछुआरों को नुकसान हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि जुलाई 1974 में कच्छ तीवू को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने मछुआरों और उनके नावों को श्रीलंकाई क्षेत्र में जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही एक और समझौता हुआ जिसमें बदलाव कर दिए गए। Now in less than 2 years, actually there was another agreement between India and Sri Lanka through an exchange of letters, and in this agreement now India proposed the following. Again, I'm reading to you from the original document. With the establishment of the exclusive economic zones by the two countries, India and Sri Lanka will exercise sovereign rights over the living and non-living resources of their respective zone. The fishing vessels and fishermen of India shall not engage in fishing in the historic waters, the territorial sea, and the exclusive zone of Sri Lanka. अब प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में कच्छ तीवू को लेकर रविवार को क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है, और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। और कच्छ तीवू द्वीप पर पीएम के हमले को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कच्छ तीवू पर हुए समझौते की पूरी असलियत बता नहीं रही। चुनाव इसलिए तमिलनाडु याद आ रहा है, जब तूफान थी, आंधी थी, तमिलनाडु का नुकसान हुआ था, तब नहीं याद आया था। अरे एक ऐतिहासिक समझौते दो देशों के बीच में तमाम बार तमाम जगहों पे होते हैं। ये इंदिरा भंडारा नायक के समझौते के तहत जो कुछ हुआ हुआ था। 6 लाख नागरिकों को, जो मछुआरे थे भारत, उनको नागरिकता मिली, इसका उल्लेख नहीं करेंगे, आधा अधूरा हिस्सा दिखाएंगे, ये इसका उल्लेख नहीं करेंगे कि इन्हीं के कार्यकाल में, मोदी जी आपके कार्यकाल में, विदेश मंत्री जी आपके कार्यकाल में, 21 जवान हमारे शहीद कर दिए चीन ने, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पे आज भारत की सेना गश्त नहीं लगा पा रही है, उसका उल्लेख नहीं करेंगे। अरुणाचल पूरा का पूरा वो अपने नक्शे में दिखा रहा है चीन, उस पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, बल्कि चीन का व्यापार भारत में बढ़ता जा रहा है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, आप गले लगाते हैं उसको जाके वहां पे।
प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है बीजेपी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से विपक्षी नेताओं की शिकायत की है। राहुल की खीज समझ सकते हैं, यह हरदीप पुरी की ओर से कहा। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे हैं। इनमें से दो ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में थोड़ी आपके साथ इसके बारे जानकारी देना चाहूंगा। एक तो कल रामलीला मैदान में जो आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है, आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवात से भारी तबाही, चक्रवात से 5 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं खंभे गिर गए, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तूफान के बाद हुई बर्बादी के निशान हर जगह दिख रहे हैं। चक्रवाती तूफान में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जलपाईगुड़ी के अलावा भी कई इलाकों में तूफान ने भारी तबाही मचाई। सिर्फ 30 मिनट में ही तूफान ने इतनी तबाही मचा दी कि कई परिवारों की जिंदगी में उथल पुथल ला दिया। तूफान में मची तबाही का जायजा लेने के लिए और लोगों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देर रात ही जलपाईगुड़ी के लिए निकल गईं। जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों का हाल जाना, मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। तूफान से तबाही पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और मृतकों के परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पीड़ितों की मदद करें। पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों की उचित मदद करने के निर्देश दिए। असम के गुवाहाटी में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश से एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। 6 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। और आइए अब हम आपको पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से उठे तूफान से मची तबाही की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सिर्फ 30 मिनट में ही तूफान ने इतनी तबाही मचा दी कि कई परिवारों की जिंदगी में उथल पुथल मच गया। आप देख पा रहे हैं कहीं पेड़ गिर गए हैं, कहीं खंभे गिर गए हैं। तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके रास्ते में जो भी आया उसे तबाह करता चला गया। तेज रफ्तार से हवाएं चली और उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। गौर नहीं है, सब तो टूट गया। सरकार से कोई कुछ? हाँ, मदद तो चाहता है, कुछ सरकार से कुछ नहीं दिया है अभी तक। अरे अचानक ऐसा आंधी आया, माने हम तो डर के मारे पूरा उधर में चिपक के दीवार के तरह चिपक के खड़ा रहा, देख रहा है ऊपर से तो पूरा जितना हमारा टीना उना है सब कुछ उड़ के जा रहा है सब। जलपाईगुड़ी जिले के बहुत सारे क्षेत्र में मैनागुड़ी विधानसभा, जलपाईगुड़ी विधानसभा। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं
उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। दोज हु ट्राई टू पोर्ट्रे द बोगी ऑफ विक्टिमहुड, आई वुड लाइक टू अंडरलाइन दैट टूडेज जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंक्रीट एविडेंसेज फॉर विच नाइदर वी और नाउ यू और एनीबडी एल्स इज प्रिवी टू इट। सो इट इज द जुरिसप्रूडेंस ऑफ द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड दिस judicial custody for 15 days, now it raises certain moral and constitutional question. यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हो लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हुतो समझाइए आके कूप ही में ही यह भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जो उसने पिया वही नशे में है, यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि आतिशी सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था विजय नायर। आज इस बात का अदालत में जिक्र हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर इसी का जिक्र करते हुए।